लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अपडेट्स हिंदी में जानने के लिए सब्सक्राइब करें टेकी दोस्त को। दोस्तों, यहाँ पर एक लीक में एक न्यूज़ सामने आई है कि यहाँ पर जो चाइनीज अथॉरिटीज़ हैं वो क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर एक शिकंजा कसने वाली हैं, और इस शिकंजे में इस बार पीयर टू पीयर एक्सचेंजेस और ओवर द काउंटर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स भी शामिल होंगे। और इस चीज़ को प्रोसेस में लाने के लिए यहाँ पर चाइना ग्रेट फायरवॉल यूज करने वाला है। यहाँ पर जितने भी जुड़े हुए आईपीज होंगे इस चीज़ से वो ब्लॉक कर दिए जाएंगे, जिससे कि जो भी ट्रांजेक्शन्स हों, एक्सचेंजेस हों, देश के अंदर और देश के बाहर सारे के सारे ब्लॉक किए जा सकें। तो यहाँ पर जो बिटकॉइन माइनर्स थे वो भी चिंता में आ चुके हैं कि गवर्नमेंट के इस स्टेप के बाद से जो भी ऑपरेशंस थे बिटकॉइन माइनर्स के वो भी इफेक्ट में आ जाएंगे। शुक्रवार को बीजिंग की मीटिंग में चाइनीज अथॉरिटीज ने ऑलरेडी ये बात बहुत सारे बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स को क्लियर कर दी थी कि यहाँ पर एक शिकंजा लगने वाला है क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर। अभी तक तो लोग यहाँ पर सोच रहे थे कि जो कॉमर्शियल ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ होंगी सिर्फ उसी में यहाँ पर रोक लगाई जाएगी, बकाया जो भी यहाँ पर पीयर टू पीयर ओवर द काउंटर बिटकॉइन प्लेटफॉर्म्स वगैरह चल रहे थे वो वैसे ही चलते रहेंगे। यहाँ पर जो भी व्यापारी वगैरह हैं जो आपस में लेन देन कर रहे थे, एक्सचेंजेस कर रहे थे, वो करते रहेंगे। ये न्यूज़ यहाँ पर सामने आई जब यहाँ पर चाइनीज अथॉरिटीज़ ने बिटकॉइन के एक्सचेंजेस वगैरह को यहाँ पर शट डाउन करने की बात की, जो कि ऑलरेडी यहाँ पर काफ़ी सारी कंपनीज पहले से ही कर रही थी, जैसे कि BTC चाइना, UOB एंड ओके क्वाइन। चाइना की पहले की न्यूज़ से यहाँ पर जो क्रिप्टो करेंसीज हैं गिर के काफ़ी नीचे आ गई थी, लेकिन बीच में थोड़ा बैलेंस बना। अगर यहाँ बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन यहाँ पर 2981 के आसपास आ गया था गिर के, और अभी फिलहाल ये थोड़ा बैलेंस हुआ है तो 3900 के आसपास कुछ चल रहा है। यहाँ पर लीक्स में जो डॉक्यूमेंट सामने हैं उसमें सारी साइट्स और जो भी टेक्स्ट इनसे जुड़ी हुई हैं उन सबको ब्लॉक करने की बात की गई। फिलहाल जो भी ये डॉक्यूमेंट्स हैं वो चाइनीज लैंग्वेज में हैं, और कुछ का कहना है ये ऑथेंटिक है और कुछ का कहना ऑथेंटिक नहीं है। यहाँ पर अगर ब्लॉकिंग की बात की है, जो फॉरेन की साइट्स हैं वो सारी यहाँ पर ब्लॉक की जा रही हैं, जैसे कि US की कॉइन बेक्स और हांगकॉन्ग की बिटफिनेक्स। यहाँ पर मैं आपको एक लिस्ट भी दिखा देता हूँ कि कौन कौन सी साइट है जो इस डॉक्यूमेंट में यहाँ पर मेंशन है। यहाँ पर इस डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग जो भी साइट्स हैं, APIs हैं, जो भी एप्स वगैरह यहाँ पर यूज़ हो रही हैं इससे जुड़ी हुई, वो सारी यहाँ पर ब्लॉक कर दी जाएंगी। उनकी जो भी DNS हैं, IPs हैं, वो सारे यहाँ पर ब्लॉक कर दिए जाएंगे। इसके अलावा जो बिटकॉइन की P2P नेटवर्क राउटिंग भी होती है वो भी यहाँ पर रोक दी जाएगी। इस चीज़ के लिए जो चाइना का फायरवॉल जो भी नोड्स यहाँ पर जुड़े हुए हैं इंटरनली और एक्सटर्नली सबको यहाँ पर मॉनिटर करेगा। इंटरनली मतलब जो भी यहाँ पर नोड्स हैं जो कि चाइना के अंदर यहाँ पर रन कर रहे हैं उनको, और जो बाहरी नोड्स हैं, जो विदेशी नोड्स हैं, जो यहाँ पर डेटा सिंक वगैरह करने के काम आते हैं, वो सारे यहाँ पर मॉनिटर किए जाएंगे। और इसके अलावा यहाँ पर जो टॉर ब्राउज़र वगैरह होते हैं जो कि डीप और डार्क वेब यहाँ पर यूज़ करने के काम आते हैं, वो भी यहाँ पर मॉनिटर किए जाएंगे। और साथ ही यहाँ पर जो VPN होते हैं, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स, उनको भी यहाँ पर मॉनिटर किया जाएगा। लेकिन क्या वाकई टॉर और VPN मॉनिटर किया जाएगा, ये सोचने वाली बात है। वैसे VPN वगैरह ट्रैक करना काफ़ी मुश्किल होता है यहाँ पर। और एक और मजेक बात बता दूँ कि चाइना में VPN डायरेक्टली लीगल भी नहीं है, लेकिन फिलहाल में एक बात सामने आई थी कि एक ऐसे बंदे को अरेस्ट कर लिया गया है जो कि यहाँ पर VPN वगैरह के सॉफ्टवेयर सेल कर रहा था, और सॉफ्टवेयर कुछ उस टाइप का था भी कि मतलब जो इन्वेडिंग वगैरह के काम होते हैं कंप्यूटर के अंदर और इन्फॉर्मेशन कंट्रोलिंग के, इस तरह का कुछ सॉफ्टवेयर था, तो वहाँ पर उस बंदे को अरेस्ट कर लिया गया। खैर, यहाँ पर मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि जो लास्ट टाइम चाइना ने एक स्टेप लिया था उसके बाद से बिटकॉइन के रेट और जो दूसरी भी क्रिप्टो करेंसीज हैं उनके भी रेट काफ़ी गिर गए थे, लेकिन यहाँ पर जो माइनिंग का काम था उस पर इतना इफेक्ट नहीं हुआ था। फिलहाल यहाँ पर माइनर्स को भी चिंता होने लगी है कि अगर ऐसे कुछ स्टेप्स लिए जाते हैं चाइनीज गवर्नमेंट के द्वारा कि 30 सितंबर तक जो सारी चीज़ें ब्लॉक कर दी जाएंगी, तो यहाँ पर जो ऑपरेशंस हैं माइनर्स के वो भी यहाँ पर इफेक्ट होंगे। तो दोस्तों, आप लोग क्या सोचते हैं कि चाइना का जो स्टेप है वो कैसा क्या इफेक्ट डालेगा क्रिप्टो करेंसीज पर, जो भी बिटकॉइंस वगैरह चल रहे हैं उन पर क्या कंडीशन रहेगी आगे चल के, आप नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और इसके रिगार्डिंग जो भी अपडेट्स होंगे वो मैं आपको देता रहूँगा। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो मेरे अपडेट्स हैं वो आपको मिलते रहें। दोस्तों, फिर मिलते हैं नए अपडेट्स के साथ।